आज एक विचित्र वीजा कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसका नंबर है 8515 कंडीशन होता है यूजुअली ऑफशोर पीआर पे लगता है 189-190 या फिर कोई पेरेंट वीजा भी अगर आप करते हो तो उस पे भी लग जाता है। तो अब इस कंडीशन का वर्डिंग क्या है 8515 डू नॉट गेट मैरिड और एंटर इनटू डिफैक्टो रिलेशनशिप। अब ये मतलब क्या है इस कंडीशन का कि अगर आपने एज ए सिंगल एप्लीकेंट ऑफशोर से अप्लाई किया है तो जब आपका वीजा ग्रांट हो जाता है तो आपको ऑफशोर से पहले ऑनशोर आना पड़ेगा तब जाके आपका वीजा एक्टिवेट होगा और जब आपका वीजा एक्टिवेट होता है तभी जाके आप वापस जाके या ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे आप मैरिज कर सकते हो या डिफेक्टो रिलेशनशिप में जा सकते हो। लेकिन अगर आप ऑफशोर हो आपका वीजा ग्रांट हो गया एंड इफ यू थिंक कि हम वहां पे ऑफशोर पे शादी कर लेंगे और पार्टनर को लेके आ जाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कंडीशन का मतलब है 8515 के डू नॉट गेट मैरिड और गेट इनटू अ डिफेक्टो रिलेशनशिप बिफोर कमिंग इनटू ऑस्ट्रेलिया। आई होप दैट इज क्लियर एंड आप सभी को ये हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो और टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। मेरा नाम है कृणाल नायक, आई एम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम ग्रोमोर इमिग्रेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।